Just wait. पूजनीय राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण का हम धाम परिवार की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। हम पंडित सत्यनारायण सत्यन जी गुरु जी का स्वागत करते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियों से हाथ निकाल दो। मैं विक्रांत काले भैया से निवेदन करती हूँ कि वे गुरु जी का स्वागत करें, उपर्ण श्रीफल पुष्पहार से स्वागत करें और श्री गुरु जी के आशीर्वाद स्वरूप गोंदले धाम परिवार की ओर से भेंट स्वरूप उन्हें भेंट दें। हम तालियों के साथ सभी अभिनंदन करें श्री गुरु जी का, हम सभी स्वागत करें, तालियां बजती रहे। श्री सत्यन गुरु जी हमारे पूजनीय श्री कोकजी गुरु जी के अनन्य मित्र हैं, हमारे धाम परिवार के ही आदरणीय सदस्य हैं, महान कवि राष्ट्रभक्त राम भक्त, ऐसे गुरु जी का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, जब भारत माता हजारों वर्षों की तपस्या करती हैं तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे बेटे प्राप्त होते हैं। माँ सरस्वती जब सैकड़ों वर्षों की तपस्या का कोई प्रतिफल धरती को देना चाहती है तो फिर वो हमें पंडित सत्यनारायण सत्यन देती है। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। मित्रों, हिंदुस्तान की वाचिक परंपरा का एक ऐसा सलाखा महापुरुष जिसका किसी कवि सम्मेलन में होना भर उस कवि सम्मेलन की ऊंचाई और गहराई दोनों तय करता है। सत्यन जी हमारा गर्व है, हमारा गुमान है, हमारा मान है, स्वाभिमान है। सत्यन जी को लेकर इतने भावुक हैं कि सत्यन जी का होना भर हिंदी कविता की बहुत बड़ी जमानत है। रामचरितमानस से लेकर तमाम शास्त्रों पर उनकी एक अलग प्रकार की पकड़ है। देश की विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों पर जिस परिष्कृत रूप से वो टिप्पणी करते हैं वो कभी भी समय काल परिस्थिति का ध्यान न रखते हुए समय अनुकूल हमेशा अपनी बेबाक कवियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। एक ऐसे फकीर परंपरा के कवि हैं जिन्होंने कभी किसी मान सम्मान की अपेक्षा किए बगैर देश की करोड़ों करोड़ जनता के दिल में स्थान बनाया है और इस धाम से उनका जो नाता है, मेरा इस धाम से जुड़ाव सत्यन जी के कारण ही हुआ। सत्यन जी का इस धाम में सम्मान था और सत्यन जी के बारे में मुझे बोलने का ये जो अवसर मिला, मैं ये मानता हूँ कि सत्यन जी के चरणों के प्रताप के कारण मुझे इस धाम से जुड़ने का अवसर मिला। एक बार जरा पूरा सदन श्रद्धेय गुरुवर पद्म आदरणीय पंडित सत्यनारायण सत्यन जी का हम अभिनंदन करें। आइए हम उनकी पावन निश्रा में, वो हास्य सम्राट है, वो जिस रस में भी लिखते हैं उस रस के वो अंतिम और सिद्धस्थ कवि माने जाते हैं, वो नव रस सिद्ध कवि हैं। आज उनकी पावन निश्रा में उन्हीं के रस को, मालवी के तेवर को, मालवा के तेवर को, मालवा के रस को, मालवा की आनंद को जिस कवि ने पूरे देश में कवि सम्मेलनों में स्थापित किया है, पीरूलाल बादल जी के बाद एक कवि ऐसा हुआ जो मालवा के कारण पूरे देश में बुलाया जाने लगा, उस कवि का नाम दिनेश जैसी घिये। आज वो हमारे आश्रम में है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे। भाई दिनेश जैसी की माइक पर आए। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि ये परमात्मा ने आपके सानिध्य में खड़ा होकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। आइए कुछ देर हम हास्य की यात्रा करेंगे, चिंतन की यात्रा करेंगे, मस्ती लेंगे, आनंद लेंगे। गुरुदेव बहुत टेंशन में आ गए थे हम 2 साल में, कोरोना में ऐसी हालत हो गई थी हमारी, घर में मास्क बाहर, मास्क जिधर देखो उधर मास्क ही मास्क था, आदमी हंसता भी था तो मास्क के भीतर हंसता था, कभी कभी तो मास्क होठों में आ जाता था। तो परमात्मा ने आज हमें खुले मास्क के हंसने का अवसर दिया है प्रभु श्री राम जी ने, तो आइए हम मिलके हंसे मुस्कुराएं। भाई साहब आप कह रहे थे कि मैं लंगड़ा के चलता हूँ, लहरा के चलता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए अभी जी।
16 सोमवार के व्रत के भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान देखा, भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हाँ, अब 1.25 रुपए में क्या देगा भगवान? सुबह पत्नी से झगड़ा हो गया, अनिल भैया पत्नी से झगड़ा गया, भाई तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। हंसते रहिए, हंसने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप मत हंसो, आप जाना मत हंसो। मेरी डॉक्टर बहन यहाँ पर बैठी है, मैं इनके घर गया अभी परसों, इनकी मेरी जेने बरसती थी शादी की सालगिरह। अच्छा, तो भाभी और दोनों बातें कर रहे छज्जे पे बैठ के, मैं नीचे तो सुन रहा। तो इन्होंने बोला भाभी का नाम मधु है। तो एक छज्जे मगर बैठे दोनों बातें कर रहे भाभी और भैया दोनों आपस में, सुन रहा तो दे बोले मधु, बोले हाँ आज से 20 साल पहले अपन बगीचे में पहली बार मिले थे, बोले हाँ, और वहां पे तेरे पिताजी आ गए थे, बोले हाँ, और तेरे पिताजी ने मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर अड़ा के ये कह दिया था कि या तो मेरी लड़की से शादी कर ले वरना तुझे 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा, बोले हाँ याद है। तो आज अगर उस दिन तेरे पिताजी की बात नहीं मानी होती तो आज मैं जेल से छूट गया होता। तो ये हंसने जाने की जरूरत नहीं है। साउंड आपका बहुत बढ़िया है, जब आदमी गाए तो इसको लगा दिया करो, जब नहीं गाए तो ऐसा कर दिया करो, साउंड का खेल होता है ये। आइए, मैं आपके बीच गुरुदेव के दर्शन के लिए आया और मैं आपसे भी अपेक्षा रख, बस इतनी है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की उठा लेना ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। गुरुदेव कल रात को भयंकर बुखार था, साथ में आया हूं, लेकिन मेरी थकान मेरा बुखार कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो, पांव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा आपका साथ हो। साउंड बढ़िया है आपका। बस अब साउंड को ऐसे रखना जैसे हमें गाँव तो एक बढ़ा दिया करो, है ना। हाँ गुरुदेव मुझे गाने का शौक है भाई, भजन गा रहा था मैया हमने राग रागनी में भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने गुरुदेव भोर भयो कहियो रोने लगी, मैंने दादी माँ के समझ में आई बात, तो मैंने कहियो भोर भयो, डोकरी माँ और ज्यादा रोई, रात भर रोई भोर भयो करते गुरुदेव, और डोकरी माँ के रोते रोते रात भर भोर भयो कर डोकरी माँ रोती जाए। सुबह उठ के दादी माँ को प्रणाम करी डोकरी माँ के, मैंने दादी माँ पूरे गाँव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गाँव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो डोकरी माँ कहने लगे बेटा बजा रजन तो ठीक है पर यह की यही बीमारी मारे बकरा की थी। अरे जितु भी हमारे बीच में आ गए, मैं चाहता हूँ सम्मान में पर जोरदार तालियां पूरे सदन की उठे। आइए भाई, तो जित भैया बात यह थी कि आदमी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। वो बकरे वाला क्या, मैं तो रियाज करता हूँ रात को, हाँ भजन गाता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भोंकने लगता है,
अब मैं जब रियाज करता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भोंकने लगता है। मैंने एक बार पड़ोसन से कहा भाभी जी कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भोंकने लगता है। तो भाभी जी बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, मैंने क्यों मेरे को शुरुआत तो आप करते हो। साउंड बढ़िया आपका और अच्छा साउंड होने के बाद भी जीतू भैया एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन तो छुई कर तो मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, वो बकरुद्दीन मवेशी। वो कहता है कि मेरी गर्दन तो छुई कर तो गुरुदेव, वो कहता है मेरे भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी, साउंड बढ़िया है। नहीं साउंड वाकई बढ़िया है, साउंड का खेल होता है गुरुदेव। आपने देखा होगा पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट लगती थी उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। जी तो भैया गणेश दोस्तों नवरात्रि में हमारे गाँव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग नहीं पड़ सकते। लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या तुम बोल रहे हो, कैसे ढुलक जाती थी। नवरात्रि में दादी मानी पड़ गई, छोरों ने कैसी लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हुए। वो गाना आखिरी था जब तक दादी मनी पड़ गई। उर्स में लगा या हाँ नहीं लगा साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा साजन सुबह उस पार नहीं जाता। मुंह अटका रहता था वो बोलिए मेरा तो आर पार है। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। वो कहता है गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी, साउंड बढ़िया है। उसको मालूम थी इस बेवकूफ को माँ क्या होती है, माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है। दुनिया में आपने देखा होगा किसी को माँ का दर्जा, बाप का दर्जा, पिता का दर्जा, काका का दर्जा मिला क्या? माँ का दर्जा केवल माटी को मिला है। मातृ प्रधान देश में रहने वाले गर्व करना चाहिए। आज चाइना मम्मी मम्मी अम्मा माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला। और कहता है गर्दन तो छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उस बेवकूफ को महात्मा और परमात्मा इन तीनों की मेहमान यारी है पर इन तीनों पर मां सब पे भारी है। बिना मां के महात्मा नहीं होता और बिना मां के परमात्मा नहीं होता। और मां अपने आप में एक अक्षर है परिपूर्ण है। और कहता गर्दन को छुरी रख दो मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, क्या होती है माँ के महत्व को क्या होती है। माँ एक लड़के से पूछे माँ क्या होती है तो खड़ा होकर बोले माँ भाई जी भाई मन की माँ ममता है पिता प्यार है, माँ ममता है पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। अरे हम उस देश के वासी हैं, हम सफर जी यहाँ पर बैठे हमारे सुरेंद्र जी, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज भी आदिवासी हैं।
ये हंसने वाली बात नहीं, चिंतन की बात कही है मैंने। आदिवासी, हाँ आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। हम पढ़ लिख के मॉडल क्या हो जाते हैं, घर में बुरे माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते, हमारी सोसाइटी में अच्छे नहीं लगते हैं। हम उस देश के वासी हैं। चाय लाए क्या? लाओ चाय। हम उस देश के वासी हैं, जानते हैं माँ बाप को कंधे पर बिठाकर करवाया था, 14 साल मन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, एक पल में तोड़ाया तेरी सिसकी पर राख और जगी तेरे पगले, तू आज वृद्ध। सुना मैं तो दो पंक्ति जिंदगी पर याद रखना, अरे ब्रह्मा एक बार 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली जाती। छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोला, बोलनी पड़ेगी हमारे सब हम सफर जी, और जो बोलनी पड़ेगी जोड़े बोलो। साउंड है ये, साउंड का खेल होता है। जित गया वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की लाडली लक्ष्मण, तो हमारे पंडित जी जोश में महिलाओं को समझाने लगे, बेटे को महत्व बताने लगे, कहने लगे देवियों जैसे नहीं बुझनते रमनते बत्तू देवता, जहां होता वहां जन्म कर देते, भाग्य की बात है। जिसकी एक जन्म ले लेती दरवाजा खोल देता है, जिसकी दो कन्या जन्म लेती भगवान स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है, तीन कन्या जन्म लेती भगवान के खोल देता है। महाराज स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान उनके लिए स्वर्ग खोल देते। जो महिला केजरीवाल खोलेगा साउंड बढ़िया, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद ये व्यवस्था हो जाती है, है? मैं कैसे कविता पढ़ दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, मैं कैसे कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या केस पे, है? मैं कैसे कविता लिख दूं? कविता कुछ इस तरह से होती जब दिल में पीड़ा होती है कि जय गणपति गणेश की और भैंस खुमानी रमेश की, जय गणपति कविता निकलती है ऐसा मन में, हाँ निकल जाती है। जय गणपति गणेश की और भैंस खुमानी रमेश की, आज तक नहीं मिली ऐसी हालत होगी हमारे देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा, जया ममता माया, कोई भली नहीं सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछे तो किसी ने बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहाँ से आया, उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव जी को जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। फिर बाबा जी ने ऐसा पेटी लाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन गुरुदेव मेरे को ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। बेशक बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, पर जिनके नाम पर हमने वोट लिए वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। मेरा बस निवेदन इतना है मोदी जी से कि सुनो तो मोदी, ये क्या सुनाए कि दिल के दम पर हम लोग आए, वही पूछे अब तुम ही बताए के गईया जाए तो कहां पे जाए, गईया बिचारी हो गईया बिचारी, कहे बात ये रोते रोते हो श्याम तेरी गईया कैसी हो गई गली।
नदियों की खाक ढोते ढोते हो गैया मैया गैया मैया निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा हो वही गैया और उसका बछड़ा फिर रहा मारा मारा तुम चीते खूब लाओ लाके हिरण खिलाओ अरे थोड़ा चारा इनको दे दो कोरी बातें ना बनाओ सहलंपी की बीमारी हो सहे लंपी की बीमारी देखो सड़कों पे ये रोते रोते हो श्याम तेरी गैया कैसी हो गई गलियों की खाक ढोते ढोते सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन साउंड आपका बढ़िया है लेकिन ये जी तो भैया गाय और किसानों की हालत आपसे छुपी नहीं है किसान भी 5 रुपए किलो के कांदा कांदा ने कर दिया आंदा घर में भैया कांदा ट्रैक्टर तो लिया लेकिन ट्राली खाई की फांदा नहीं सही कह रहा हूँ ये कोई आपसे छुपी नहीं है हाँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप किसानों के हित की बातें करते हैं मैं चाहता हूँ जीतू भैया के सम्मान में पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं साउंड बढ़िया आपका हम यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए वो साउंड वाला भाई साहब ने मना कर दिया हाथ मत लगाना करंट मारता है लेकिन कथा में भूल गए वो सज्जना राजा अपनी से दिन से कहने लगी हे राजन नेनंद से सस्ता नहीं नेनंद हता पाप का उठ धर की ये करंट मारता है लेकिन आपका साउंड बढ़िया है संस्कार बिगड़ गए हंसने के लिए जाने की जरूरत नहीं है आपके इर्द गिर्द बिखर पड़ी है हंसी आपके घर पे है मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी कवि सम्मेलन में जाते हो लोगों को कवि सुनाते हो आज मेरे पास कोई कविता सुनाओ मैंने पत्नी से कहा कौन से विषय सुनाओ की कविता कसम मुझे नंगे बाड़ी पूछ को मन दूसरे गाँव नहीं जाता आदमी को पूछ होती तो समझ कभी कभी पहिए जाता पूछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ जाता पूछ का बाल कभी अड़ जाता बेबा छोटा ढूंढा कोई हमारी पूछ का बाल का पता नहीं क्या मान पूछ मान के अड़ जाता पूछ का मामा अच्छी पे चढ़ जाता और उसी डब्बों के डब्बे में उतार मोसर कड़ी खाता ये अम्मा चम्मच की पूछ गया मांगे लाल भाजा मैं चाहिए क्या मैंने तो वो कड़ी तुमने पूछनी जब कड़ी नहीं खाई बोले मैं पूछनी तड़ी गई अच्छा परगाम तेल लगा था हाँ तेल लगा था पूछ में परगाम जाता तो लोग पूछ तेल गंगा बड़ा पूछ गंगे तेल जो है हमारी पूछ से गाती को आया गति आप अगर पूछ होते तो बहुत सारी समस्या होती लेकिन आप अगर पूछ होती जीतू भैया तो फिल्मों के नाम कैसे होते फिल्मों के गाने कैसे होते फिल्मों के डायलॉग कैसे होते आप अगर पूछ होते तो फिल्मों के नाम होते हम उसे दे चुके सर हम आपके पूछ देते हैं पूछड़ी पूछ वाले दुल्हन ले जाएंगे अगर पूछ होते तो फिल्मों के गाने कैसे होते गाने पुछड़ी वाले पुछड़ी ला अच्छा वो बाजीराव मस्तानी में मेरी बहनें बैठी यहाँ पर बाजीराव मस्तानी में गाना ऐसा होता देखी जो पूछ तेरी मैं दीवानी हो गई मशहूर तेरी पूछ की कहानी हो गई अच्छा बहन क्या करती भाई की पूछ पे राखी बांध देती हाँ पूछ पे राखी बांधती और गीत गाती भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना
आदमी को अगर पूंछ होती, अनिल भैया आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? एक को बड़ा आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते तिरंगा फिल्म में, राजकुमार साहब गेंदा स्वामी ये कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। ऐसे तो मैं पूछ लाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते फिर चले जाओगे। अच्छा फिल्मों के डायलॉग किस तरह से होते हैं, लेकिन हमारे मालवा में मालवा की महिलाएं गीत कैसे गाती, शादी ब्याह में अगर आदमी को पूछ होती तो, शादी ब्याह में गांव की महिलाएं ऐसे गीत गाती, तमारी पूछड़ी देखने चले गए लोगे घना, तुम तो पूछड़ी मेरी चाह यही मेरी राह यही, तो मैं अपनी कविता सुनाया करूं, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। हंस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। गुरुदेव ये कल्पना की मैंने, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने, राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा, राम जी की आंखों में आंसू झलक आए। जैसे राम जी की आंखों में आंसू झलके तो राम लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता। राम जी ने कहा लक्ष्मण कोई गलत प्रश्न नहीं पूछ, लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या वाक्य होता, लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूछ होती तो क्या होता, मैं तो बस कि ये पूछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। ये पूछ है तो हमारी कोई पूछ पर रखनी होती। साउंड बढ़िया आपका, और जब कहना कुछ चाहता है सामने वाला समझ कुछ जाता है, संस्कारों की कमी कहां आती है जब हम बातों को ढंग से नहीं समझ पाते। वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाला आ गया, बोरिंग मशीन वाला गुरुदेव वो हलन मशीन वाला, तो खेती बाड़ी है तो मैंने कहा एक काम करो तो 500 फीट बोर अपने को भी करवा लो ताकि पानी निकल आए थोड़ी अच्छा लगे। तो 500 फीट बोर के लिए मशीन बुलवाई, एक रात दो रात करते 500 फीट हो गया पानी बिल्कुल नहीं निकला, तो बड़े वाले भैया को बोला कि जाके मशीन बंद करवा, मतलब नहीं 2000-2500 में जा रही है जाके बंद करवा दे। तो बड़े वाले भैया उनके पास जाके कहने लगा कि वो मार साहब कह रहे हैं कि मशीन बंद कर दो, मार साहब कह रहे हैं कि मशीन बंद कर दो, स्कूल में पढ़ाता हूं हम सरपुर जी, हां मास्टर हूं। एक लड़का से सवाल पूछ लिया, मन क्या नाम है तेरा, जी रामलाल। मन के रामलाल बेटे थोड़ा आवाज कम करो इसका, नहीं थोड़ी सी जब आज वो सीटी जैसी लग ना आइए। तो रामलाल उनकी क्या नाम है, रामलाल। मैंने रामलाल बेटे ये बता तेरे बाप को 5000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपए देगा। लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना 1 रुपया नहीं देगा। मैं कि बेवकूफ गणित मने नहीं जानते, भले मार साहब गणित मने सब जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। तो वो मशीन चल रही है और पानी नहीं निकला, 500 फीट हो गया जी, तो भैया वो तमिलनाडु के आदमी होते वो आयलैंड मशीन वाले। तो वो भैया को बोला मन के पानी नहीं निकलता तो बंद करवा दे तो मशीन। तो वो बड़े वाले भैया उनके पास तो मद्रासी आदमी उनकी तरफ देखे बोले मशीन बंद कर दो, बहुत देर तक उनके बीच में चलती रही कि मशीन बंद कर दो। फिर मद्रासी आदमी बोला नानगढ़ पोंडे नानगढ़ पोंडो, तो भैया जी हाँ वो भैया बोले हाँ चुके हरे नानगढ़ पोंडो, तो भैया मेरे पास में आए और आगे खड़े हो गए। मैंने क्यों मशीन बंद करने का बोल दिया उनको, बोला हाँ बोल दिया। फिर क्या बोला उसने जो नानगढ़ पोंडो, हम खिलाओ बात अगर समझ आती हो तो। पतन हो चला संस्कृति का, कविता सुनना मेरे दोस्तों,
पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। और क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी संत्यानों में फिर सलवार पुरानी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। रिजल्ट क्या है भाई साहब? चमक उठी संत्यानों में फिर सलवार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर मैंने कोई संदेश की बात कह दी सदन में तो मुझे बताना तालियों के महोत्सव से, कि ऐसे में क्या करती बात नहीं नारों की। जब हमने पेड़ बंबूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंकू ने कंकर मारा जिसकी चर्चा आम हुई, हालात का दोष यार जो मुन्नी बदनाम हुई। अमन भाई हालात ही ऐसे कर दिया हमारे, और हालात किसने बिगाड़े मालूम आपको? गुरुदेव के उपस्थित में कहना चाहता हूं भगवान जी, हालात फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बिगाड़े। इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई हम समाज के अंदर के हमारे बच्चे देखकर बिगड़ रहे। ऐसी थी फिल्में, ऐसी थी ऐसे गाने, गाने में सुन सकते हैं हम गुरुदेव, ऐसे गाने बना रहे हैं और बहुत डीजे में बज रहे हैं। अच्छे गाने बनाओ, आपके जमाने में गीत होते थे गुरुदेव, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता किस डाल पर मैना। तेनो दुल्ला के ने बनाया पूछनी है, पुराने जमाने में गीत होते गुरुदेव, लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे हो गए, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन ताता ता, राजा मियां इसकी यारी उसकी धोड़ी, ऐसे तो गाने हो गए पुराने जमाने में भुवन जी गाने होते थे। लेकिन आजकल कोई गानों का अर्थ नहीं है, जीतू भैया और गाने बजा रहे हम और तो तब नहीं मालूम उनको, ये वाला गाना खूब बजा अभी, पावर तोड़ा हतर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने तत सुमन सुमन तुम बादाम पावेन अब पावर थोड़ा। पुराने जमाने में गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। जीतू भैया अभी तो मैं शिशु विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज कराया करता था, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। शिशु टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तो मेरी भेज करती आए आए। नहीं थे पुराने जमाने में से गाने, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, साउंड बढ़िया आपका फिर गलती कैसे हुई। ऐसे नहीं पूरा सदन ताली बजा के बताएं कि साउंड अच्छा है, गलती क्यों हुई। चार पंक्ति से बड़े मंच से के गुरुदेव की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि छत पे सोया। हाँ अमन भाई चिंतन की पंक्तियां हैं कि छत पे, हाँ डॉक्टर साहब फिल्म मंदिर से वालों ने किस तरह समाचार में जहर बोला है, छत में सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चुनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। अरे आहार विहार लज्जा और कार, चौथी पंक्ति में मुझे बताना कि आहार विहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब चलते हैं, तो आज आपने आके उसका टेम्पो बिगाड़ दिया। तुम सदन में भी बिगाड़ देते हो अच्छे अच्छे का टेम्पो, और आज तो उसका इसका तो खाई गए मोदी योगी कहने का गया, गाय आ गई बता। कि हमने मना करा क्या तेरे को पढ़ने के लिए? वो कराएंगे तब मत पढ़ना मोदी मोदी वाले, यहाँ तो पढ़ते थे। लेकिन वो क्या जीतू का एक दहशत में आ गया। अच्छा ये जीतू का भी क्या इतनी जोर जोर से सदन में चिल्लाता है, कभी होते तो वीरस की कभी होते, क्योंकि ये माहौल सही साठ बनाते हैं बिल्कुल। कांग्रेस भले ही बाद में मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन भाई मेहनत पूरी करता है, एक बार भाई की मेहनत पे ताली बजाओ।
मैंने देखा भाई अति जोर जोर से विधानसभा में बोले दहशत में मंत्री तो ठीक विधानसभा अध्यक्ष में आ गया लेकिन में आ गया तो मैं इसकी दो तीन पेरोडी खा गया जीत हुई है इसके बच्चे जो बदुआ देंगे आपको अब इसको आपके क्षेत्र में कवि सम्मेलन में बुला के पैसे देना जिन पेरोडियों के लिए बुलाया था वो तो ही नहीं तुमने कोई पेमेंट वो थोड़ी करेंगे पेमेंट तो ये अनिल भैया करेंगे जरा जीतू भैया को एक बार पढ़ के तो बता कैसे मोदी और योगी की पेरोडी आज सुनना चाहते हो क्या तो एक बार जरा ताली बजा हो सकता है कभी ये सुन के ही आ जाए अपनी तरफ सज्जन जी बैठे हैं अभी अपन दिला देंगे सदस्यता में कितनी देर लग रही है अपने पास तो आईएसआई ब्रांड जनसंघ ही बैठा हुआ है जो 24 कैरेट का ओरिजिनल भाजपा ही है सारी भाजपा इसी गंगोत्री से निकली है बाद में भले ही प्रदूषित हो गई हो नाले मिल गए हो इसमें इधर उधर से आके तो हम क्या करें गंगोत्री तो बैठी है आ जा जरा अरे मैं आ जल्दी आ जरा तेरी हिम्मत तो देखो देखना जी तू भी अब इसका करिश्मा जरा सही साथ न्याय कर जो बिल्कुल बिल्कुल न्याय करेंगे बैलेंस करके गैस की टंकी पेट्रोल डीजल भी याद कर दे हाँ बिल्कुल क्या नहीं क्योंकि कारण क्या है कि जो चीजें होती हैं है ना वो चीजें होती हैं वास्तव में गैस की हालत गैस को याद रखना पड़ेगा ये कैसे भूल जाए याद रखना पड़ेगा गैस को कैसे भूल जाए जब गैस नहीं होगा तो देश कहाँ से होगा हाँ ये सब देश का तो बड़ा चलो वाले सुना दे जल्दी एक सुना दे बस ठीक एक को बढ़ाओ थोड़ा सा साउंड बढ़िया आपका और साउंड बढ़िया होने के बाद वो कहता है गर्दन पर छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा बोलने का कारण ये है नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई है भगवान को धारे तू और जब गरजता है दुश्मन मारे तू तेरी पलक झपकी तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडो की गाड़ी टपकी सारा जमाना है तेरे पीछे कोड़ा सारा जमाना है तेरे पीछे पर तू दीवाना पीछे राम जी के सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे बस सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे ना तमन्ना हीरा पन्ना ना ही तुझको सीएम बनना एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए फिर भी तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी ताली बजाना डांस करके दिखाऊंगा जीत भैया ये कोरोना में सारे कभी टेंशन में आ रहे हैं घर पे बैठे बैठे आंसू बहाने लगे अपने को टेंशन नहीं है कभी सम्मेलन बंद भी हो जाए तो क्या है इंदौर से जाए तो उज्जैन तक उज्जैन से रतलाम तक डपली ले लो एक हाथ में भर दे झोली मेरी हम बजे वहां कभी सम्मेलन जिसकी जो आदत पड़ जाती वो छूटती नहीं है हाँ। गुरुदेव हमारे मोहल्ले में तीन नवाब रहते हैं वो तीनों नवाब बात के पीछे तकिया कलाम लगाने की पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खाके किसी के शादी में चले जाए तो बोले जूते खाके अब हम ये अकेले अकेले शादी कर ली जूते खाके दुल्हन तो अच्छी मिली जूते खाके हमें नहीं बुलाया जूते खाके दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ती आपकी दुआ से बोली उनके पिताजी साथ दादाजी वो पिताजी शांत हो गए चाचा जी शांत हो गए अल्लाह को प्यारे हो गए लोग बैठने के लिए घर पे आए बोले चाचा जी को क्या हुआ था अब आप कुछ मत पूछो आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से लेकिन चाचा जी फिर भी अल्लाह को प्यारे हो गए आपकी दुआ से तीसरे वाले आपकी आदत पड़ी थी आपके मुंह में बोलने की वो तो क्या कलाम लगा था आपके मुंह में एक बार सरपंच साहब को पकड़ लिया बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में
चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, आपके मुंह में ये करवा देंगे, आपके मुंह में वो करवा देंगे, आपके मुंह में अब एक खरंजा खड़ा है आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। तो वो होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है, किनके यहाँ चोरी हो जाती है, जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाए जूते खा के ने, अब हम यहाँ घर पे हो जूते रास्ते में उनको मिल जाते कौन आपके मुंह में, अब आप सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में, कुछ मत पूछो जूते खाके चोरी हो गई जूते खाके। तो वो बोले घबराते क्यों आपके मुंह में, अभी रिपोर्ट लिखवा दे आपके मुंह में। तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाता, दृश्य देखना थाने का, सबसे पहले चले जाते जूते खा के बोलने वाले, हाँ नवाब साहब सुबह से बात कैसे अनावटी आई सब बोले। तो वो कहने लगे अब क्या हाल बना रखा जूते खा के, चोर सरे आम घूम रहे जूते खा के, रोजाना चोरी हो रहे जूते खा के, और आप यहाँ बैठे हो जूते खा के, ऐसा दिमाग खराब क्या बदतमी लगा के। अब जैसे हटे तो आ गए आपके मुंह में बोलने वाले, हाँ नवाब साहब क्या हुआ बताओ, हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया आपके मुंह में, रात को चोर घुस गया आपके मुंह में, सारा सामान लेके भग गया आपके मुंह में, लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भग के कहां जाएगा आपके मुंह में, चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में और एक दिन झूठे मारेंगे आपके मुंह में, कि दांत में रहेगा आपके मुंह में। माता के जन कहने की, और आपकी आदत है भारत माता की आप जय करते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये है कि मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति, बहुत सहज इंसान है आप, वरना नेताओं की स्थिति मालूम कैसी होती, चुनाव पहले स्थिति उनकी ऐसी होती है और चुनाव बाद कैसी हो जाती है, लेकिन आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, और जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर आपके दिल की बात कही हो तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों की, चुनाव के लिए और चुनाव बाद ये, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद चुनाव बाद जब भी फोन लगा होगा तो मोबाइल देखे जावा जाती है, जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। पब्लिक चिल्लाती रहती जितनी भी 5 साल तक, 5 साल तक कहती रहती है कब आओगे कब आओगे कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे तुम कब आओगे, तेरी ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, मेरी ना हो जाए कहीं मेरी ना हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जना दिनेश देसी घी के लिए जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। हमारी एक बड़ी कवित्री हैं, शायरा हैं अंजुम खैबर, उन्होंने कहा कि अपने हर जख्म को आईना बनाया हमने, आपको आपकी तस्वीर दिखाने के लिए, इतना आसान नहीं दुनिया में तमाशा बनना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए, और ये हौसला के पास है। एक बार यशस्वी होने का, दिग्विजयी होने का, कि वो दिग्विजयी हो जाएं, बस किसी भी स्थिति में दिग्विजय सिंह ना हो।